नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। मैं लेके आया हूं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास। और ये क्लास ऐसी क्लास होगी जिसमें शुरू से लेके अंत तक लगभग हर टॉपिक से आप परिचित हो जाएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद में ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपका डर निकल जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ पूछे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे, कुछ नए प्रश्न मिलेंगे। मकसद है तैयारी, तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग उत्तर देते चलेंगे और पहले फटाफट इसको आप शेयर कर दीजिए लोगों तक। कुछ देर वीडियो देख लीजिए, जब पसंद आए तब लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे और लगे कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है तभी शेयर कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका उत्तर दीजिए। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 150 प्रश्न इसमें हमको देखने हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 150 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है ये ऐसे रिवाइज हो जाएगी तो आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपकी तैयारी होगी उसकी, तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तब वैल्यू जान पाएंगे। तो पहला प्रश्न ही यही है कि मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा, चर्चा में यह बना रहता है बार बार, और ये ज्योग्राफी में मुझे लगा कि पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो ये कदम रखा था, कब रखा था, यही आपको बताना है। और ये कदम मानो ने रखा था 1969 में। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे। 20 जुलाई का ये दिन था 1969 में। 69 का मतलब 69 होता है। और हिंदी दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह से एक मैसेज चल रहा है, जिनको 59, 69 और इन सब में अंतर पता है और सही से उसको जानते हैं उनको हिंदी दिवस की बधाई, और बाकी सबको हैप्पी हिंदी डे। तो वास्तव में ये आपको जानना चाहिए, 20 जुलाई का ये दिन था। 20 जुलाई 1969 को मानव ने कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन भेजा गया था, 3 अंतरिक्ष यात्री इसमें गए थे। 2 का नाम आप लोग जानते हैं, एडविन एल्ड्रिन का नाम और नील आर्मस्ट्रांग का नाम, और तीसरा थे माइकल कोलिंस। माइकल कोलिंस का नाम भी आपको जानना चाहिए, माइकल कोलिंस भी उसमें थे, है ना। और लेकिन कदम जो रखा था वो आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने रखा था। ये वही जो अब मिशन गया था तो उसका नेतृत्व कर रहे थे, अंदर बैठे हुए थे, है ना। बाहर कदम इन्होंने नहीं रखा था, माइकल कोलिंस ने। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? बहुत बढ़िया बेसिक सा प्रश्न है ना। वरुण जो ग्रह है, अरुण वरुण, है ना, वरुण को आप अब सबसे बाहरी ग्रह कहेंगे क्योंकि यम है नहीं, प्लेटो है नहीं, है ना। तो नेपच्यून जिसको आप कहते हैं, वरुण ग्रह जिसको कहते हैं, वो सबसे बाहरी ग्रह है। इधर नेपच्यून भी आता है, वरुण भी आ सकता है, वरुणा लिखा जाएगा इसको या नेपच्यून। तो ये सबसे बाहरी ग्रह है और ये सबसे ज्यादा समय लेता है, सबसे ज्यादा समय यही लेता है। और पहले प्लूटो हुआ करता था, 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया था। बुध सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे कम समय वो लेता है। दूरी के हिसाब से ये निर्धारित होता है, सूर्य के कितनी दूर पर ये स्थित है। अगला जो प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहां पर पड़ती हैं? तो दिन रात की अवधि जब बराबर होती है तो आप समझ जाइए कि आपका जो इक्वेटर है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी बिल्कुल पड़ रही हैं, और तभी दिन और रात बराबर होता है, इसकी अवधि बराबर होती है, और ये भूमध्य रेखा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 तिथियां याद रखिएगा, एक है 21 मार्च की तिथि और दूसरी है 23 सितंबर की तिथि, जबकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है और पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में इस दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? ये कहने को 150 क्वेश्चन है लेकिन तैयारी आपकी हर हाल में 1000 क्वेश्चन की हो जाएगी, देख लीजिएगा। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र को। और शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? सुबह का तारा, भोर का तारा, सायंकाल का तारा, लाल ग्रह, ये सब नाम इसके हैं। बृहस्पति के बारे में अगर बात की जाए, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, है ना, सबसे बड़ा। अगर छल्ले वाले ग्रहों की बात की जाए तो शनि जो है ये छल्लों से युक्त ग्रह है। बात समझ में आ गई। मंगल के बारे में आप मतलब बरका जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर, पूछा हुआ प्रश्न। यहां पर देखिए एक दिया हुआ है कृष्ण मास्टर, कृष्ण विवर या ब्लैक होल, ये क्या है, खगोलीय वस्तु है कि नहीं है, बताइएगा। क्वासर एक तारा का स्रोत आप कह सकते हैं, 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, इससे आने वाली रेडियो तरंगों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पल्सर भी एक खगोलीय पिंड है,
पल्सर भी एक खगोलीय पिंड है, भंगुर तारा भी है, ये भी है, ठीक है। और जो ये कृष्ण मास्टर दिया हुआ है ये खगोलीय वस्तु नहीं है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये खगोलीय वस्तु नहीं है, बाकी सब है। किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी जो है, पहले ऐसा नहीं पता था मतलब क्या है कैसे है, तो शुरू से विचार जब देने शुरू हुए, लोगों ने दिए विचार, तो एक यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे अरस्तु, अरस्तु ने बताया था, ऑन द हेवेंस इनकी पुस्तक थी, ऑन द हेवेंस ये इनकी पुस्तक थी, और ऑन द हेवेंस में इन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया था। फिर टॉलमी और स्ट्रैबो पहली बार 2री शताब्दी में, और कॉपरनिकस 15वीं शताब्दी में हुए, और उन्होंने भी इसके बारे में बताया, पृथ्वी के बारे में रिसर्च और ये सब अध्ययन किया, लेकिन अरस्तु के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने गोलाकार बताया था। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्ट्राइड, छोटे खगोलीय पिंड है, वो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? आप जब सूर्य से शुरू करेंगे तो ये आपका सूरज हो गया, सूर्य, सन, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी है ना, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, ये ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहां पर आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये आपका बृहस्पति है और ये आपका मंगल है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके ये क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट पाई जाती है ना। और सौरमंडल में आप देखेंगे तो ये इन्हीं दो ग्रहों के बीच में आपको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कई बार ये पूछा गया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पे आप जाएंगे तो वहां आपस में आप बात करेंगे तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बात एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, और माध्यम वायुमंडल के तौर पर हो सकता है, वो यहाँ पर वायुमंडल है नहीं, पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, चंद्रमा पर यह संभव नहीं हो पाता है, और एक माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम मिलता ही नहीं। तो चंद्रमा पर कभी जाइएगा, चांद के पार चले अपने चहेते के साथ, तो देखिएगा उनसे बात करके, आई लव यू बोल दीजिएगा और पूछिएगा सुनाई दिया, लेकिन पूछेंगे तभी जब आप वापस आएंगे, फिर वहां नहीं पूछ पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये हर वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये आयोजित किया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल 2021 में मनाया गया, ये जो दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम याद रखिएगा, री स्टोर अवर अर्थ। करंट का भी ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, री स्टोर अवर अर्थ, ये इसकी थीम है इस बार की, इंपॉर्टेंट है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि छोटा ग्रह क्या प्लूटो को मार देंगे, प्लूटो तो अब रहा भी नहीं, तो आप इसको कह देंगे या बुध को मारेंगे, क्या करेंगे? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इतना छोटा है कि इसको ग्रहों की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि अगर अब प्रश्न ये पूछा जाएगा तो क्या प्लूटो को दिया जाएगा, प्लूटो को पूछा जाएगा? अब ये नहीं पूछा जाएगा। एक बार ये प्रश्न किसी ने मुझे भेजा था, पर्सनली व्हाट्सएप किया था, तो मैंने उनको बताया था, लेकिन अगर अब पूछा जाए तो क्या होगा, अब पूछा जाए तो प्लूटो होगा या नहीं होगा? तो अब जो दिया जाएगा उसमें से आप टिक करेंगे। ग्रहों का आप एक तो सूर्य से दूरी का क्रम देख लीजिए, और उनका आकार का, जैसे बृहस्पति को सबसे बड़ा हमने कहा, फिर उनका एक आकार का भी, एक दूरी का क्रम आप देखिए और दूसरा एक आकार का क्रम देखिए, इसको तैयार कर लीजिए लास्ट समय। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, ये रूपांतरित चट्टान की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और स्लेट, ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, ग्रेनाइट इसका उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट है क्या? तो इग्नियस राख है। ये क्या है? ये इग्नियस राख है, इग्नियस रॉक है ये ग्रेनाइट जो है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औषधि सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औषधि सेलों के लिए आप देखें तो ये वे सेलें होती हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है क्या? ध्यान से पढ़िएगा, आपको लंबा स्टेटमेंट लगता है तो सही बात है, ऐसा नहीं है,
ध्यान से पढ़िए फिर समझिए। ये सेलें क्रिस्टलीय होती हैं, ये सेलें अस्तरों में निक्षेपित होती हैं, और ये इनमें से एक कोई नहीं दिया है। सबसे पहले अवसादी चट्टान की विशेषता सबसे बड़ी कौन सी आपको नजर आ रही है, सबसे सरल वाली देखिए, ये सेलें अस्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। परतदार चट्टाने या अवसादी चट्टाने एक ही चट्टाने होती हैं और परत दर परत इनका जमाव होता है, और इसी कारण से इसमें जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं। 75% इनका पूरा भूपृष्ठ में फैलाव है, जितने भी सैलें हैं उनमें से 75%, और ये अस्तरों में निक्षेपित होती हैं। लेकिन ये सैलें रवेदार नहीं होती, क्रिस्टलीय नहीं होती, ताप और दाब पर इनकी संरचना निर्भर नहीं करती, परत दर परत ऐसे जमी रहती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। सिस्मोमीटर मापता है, क्या मापता है? हृदय की गति को, पेड़ों की ऊंचाई को, भूकंप को, या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भूकंप को मापता है, सिस्मोग्राफ भी बनाया जाता है। ठीक है, अब हृदय गति को, चलो मैं विज्ञान नहीं पढ़ा रहा लेकिन मैं आपको बता दूं, हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है, है ना? हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। दूसरा जो है पेड़ों की ऊंचाई को मापने के लिए ये क्रेस्कोग्राफ होता है, क्रेस्कोग्राफ ये होता है, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग इसके लिए किया जाता है, क्रेस्कोग्राफ। और ये सिस्मोमीटर जो है ये भूकंप को मापने के लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रश्न याद रखिए, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है। थोड़ा तेजी से चलेंगे, रिक्टर पैमाने का उपयोग, उत्तर दीजिए, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की क्या तीव्रता मापने के लिए होता है। ये वर्ड याद करिएगा, तीव्रता। कठिन प्रश्न जब बनता है तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि तीव्रता किससे नापी जाती है, तो एक तो रिक्टर स्केल होता है और एक स्केल और होता है, एक होता है मर्केली स्केल, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो रिक्टर स्केल है भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की ये सूचक होती है, और भूकंप जो तरंगें निकलती हैं भूकंपीय है, उनकी तीव्रता से जो तबाही होती है वो ऐसे हम माप लेते हैं कि कितनी तीव्रता से क्या कितनी तबाही होगी। बात समझ रहे हैं? तो इसी के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि किससे कितना कितनी तीव्रता का भूकंप है तो क्या हो सकता है। अब जो भूकंप यंत्र होता है वो 10 गुने आयाम को और 32 गुनी ऊर्जा को दिखाता है। तो कभी आपसे आयाम पूछा जाए, मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इसको रखा है, आयाम पूछा जाए तो एक स्केल अगर बढ़ेगा, जैसे 5 से 6 हुआ तो 5 से 6 जो है ये 10 गुना होगा, अगर ये 20 है तो ये 200, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 6 से 7 में जाएगा तो 200 का ये 10 गुना 2000 हो जाएगा, आयाम 10 गुना हर स्टेप पे। और जो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा 32 गुना बढ़ जाती है एक स्टेप पे, 32 गुना। तो इस तरीके से आप इसको तैयार रखिए, और जिनका ज्योग्राफी से पेपर है वो तो इसको बिल्कुल देख लें, रामबाण है ये। भूकंप के समय कौन सी तरंगों का उद्भव होता है, जब भूकंप आता है तो कौन सी तरंगें? तो 3 तरीके की तरंगें होती हैं, और इन 3 तरंगों में एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक लॉन्गिट्यूडनल, 3 वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स को, प्राथमिक तरंग को, जिनको आप हिंदी में प्राथमिक तरंग कहते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, और ये, और जो तीसरी एल वेव्स है ये सरफेस वेव होती हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं, और तबाही यही वाली वेव्स मचाती हैं, है ना? और इनकी इनकी जो खोज की थी ये लव तरंगों के नाम से जिसको जाना जाता है, लव वेव्स, HD लव ने इसको खोजा था, तो इसको लव वेव ये करती नहीं है, ये तो तबाही मचाती हैं, कई ऐसा कर देती हैं कि कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन इनको लव वेव्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लव ने इनको खोजा था। धरातल तक ये सीमित रहती हैं, ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती हैं, और सबसे ज्यादा तबाही क्योंकि धरातल पर है तो यही मचाती है। तो PSL ये 3 प्रकार की तरंग है। सूची फसिकन को सुमिलित करना है माउंट किनाबालू, अर्जबुल, अलबुर्ज, अकांगागुआ और किलिमंजारो, बताइए फटाफट सुमिलित करिए, देखता हूं कौन उत्तर सबसे पहले देता है। माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया में, मलेशिया इधर 2 लिख लीजिए, अलबुर्ज जो है ये ईरान में है, 4 लिख लीजिए, अकांगागुआ ये क्या है तंजानिया में है, 3 लिख लीजिए, और ऐसा क्या होगा, अकांगागुआ कहां तंजानिया में हो जाएगा, अकांगागुआ तो अर्जेंटीना में हो जाएगा, 1 लिख लीजिए, और किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, डी का 3, तो 2413 ये देखिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डी ऑप्शन, इसको ऐसे सुमेलित कर लिया कीजिए। अब इनकी लोकेशन कभी भी इन सबको रिपीट किया जा सकता है, अलग से भी आपसे पूछी जा सकती है एक एक प्रश्न बना के। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, ज्वालामुखी से
ज्वालामुखी में ये सभी गैसें निकलती हैं, जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलती है, लावा निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है, बहुत सारी गैसें उसमें सम्मिलित होती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो वाटर वेपर जलवाष्प की होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अब भारत में सॉरी विश्व में एक्सट्रीमली सॉरी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? विश्व में 7 महाद्वीप आपके हैं। एशिया जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये बिग ब्रदर है, एशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। एशिया के बाद में अफ्रीका आता है, एशिया, अब एशिया के बाद में अफ्रीका, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और उसके बाद में आता है अंटार्कटिका। याद करिए इसी समय अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप आता है, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया से छोटा है इसमें फिर कोई नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया रहेगा तो यूरोप हो जाएगा। अब इसमें से सबसे बड़ा पूछ ले तो एशिया इसमें दिया है, एशिया ना दिया रहेगा तो अफ्रीका हो जाएगा, है ना, दूसरा सबसे बड़ा जो है। तो विकल्प पे डिपेंड करता है कि उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? एक प्रश्न ये भी इंटरव्यू में एक बार ये प्रश्न पूछा गया सीधे, और कहा गया कि बताइए किसमें सबसे ज्यादा महाद्वीप है, कौन से देश में। कई बार गड़बड़ा जाता है, कई बार चीजें जो है याद नहीं आती हैं, बात समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा देश ये अफ्रीका में है। अब जैसे अफ्रीका में देशों की जो संख्या है वो 54 है, यूरोप में देशों की संख्या 51 है, एशिया में देशों की संख्या आप देखेंगे तो 50 है, और दक्षिण अमेरिका में तो खैर 12 ही देश है। तो इस तरीके से 54 के साथ में अफ्रीका सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? इस पे ध्यान दिया कीजिए कि है कि नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, व्हाइट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोप में है, और यूरोप में भी आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ है तो ये जर्मनी में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? मिलेगा आपको जर्मनी में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। नॉर्मली जिसमें ग्रेट लगा होता है, ग्रेट वाली चीजें आप यूएसए लेके चले जाते हैं, कई बार ऐसा ग्रेट कई चीजें वहां पे मिलेंगी, लेकिन ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत माला जो है, तो ये सब आपको यहां पर मिल जाएंगी, है ना। कहां पर? ये ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में जो ये स्थित है ऐसे, ये बृहत्तम जलवेसिन भी है, ये ध्यान रखिएगा, बृहत्तम जलवेसिन है, विश्व की बृहत्तम जलवेसिन में इसको गिना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संसार की छत किसे कहते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत सरल। तो यहां पर आप पामीर को टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पामीर का पठार एक्चुअली पाया जाता है, तो पामीर जो प्लेटू है इसको मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित की जाती है, और यहां से कई पर्वत आपको दिख जाएंगे, या कई पर्वतों का यहाँ पर मिला हुआ आपको ये नजर आएंगे कई पर्वत। तो ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु भी आप इसको कह सकते हैं, पामीर का पठार, संसार की छत इसको कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, तिब्बत पठार मत मारिएगा। क्वेश्चन बड़ा सरल है, लेकिन अगर तिब्बत दे दिया जाए तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सरल प्रश्न जिनके सही होते हैं सेलेक्ट वही होते हैं, कठिन तो सबके गलत होते हैं या कुछ लोगों के सही होते हैं। फाइट में आप अंदर होंगे या बाहर होंगे ये डिपेंड करेगा कितने सरल प्रश्न आपने सही किए। माउंट टिटलिस कहां पर स्थित है? माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी का लावा जब ठंडा हुआ तो इसका निर्माण हुआ। और एक आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट मैंने अभी बताया था जर्मनी में, इसको भी याद कर लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। आपसे जैसे संयुक्त राज्य एक रॉकी पूछा जाता है, तो रॉकी जो पूछा जाता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहां पर स्थित है? एक आल्प्स तो आपको कहां पर मिलेंगे, एक आल्प्स कहां मिलेंगे? दक्षिणी आल्प्स तो मैं बताया दे रहा हूं। आप जब जाएंगे न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड में देखेंगे, मैप में चले जाइए, बाद में घूमने टहलने जाइएगा तो न्यूजीलैंड के दक्षिण में आप देखेंगे तो वहां पर आपको आल्प्स पर्वतमालाओं की स्थिति नजर आएगी, ठीक है। और ये वैसे आल्प्स पर्वत कहां मिलते हैं, आल्प्स पर्वत की स्थिति कहां पाई जाती है, तो ये यूरोप में है। अब क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये उपनिवेश थे तो वहां पर इन्होंने नाम रखा, तो वहां वाले आल्प्स का उसके दक्षिण में ये था, तो इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम इन्होंने दक्षिणी आल्प्स कर दिया,
अंग्रेज भी मतलब जूनियर सीनियर साउथ नॉर्थ इन सब पर भी नाम रख देते थे, तो दक्षिणी आल्प्स इन्होंने ये नाम रख दिया न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। बात समझ में आ गई। सी आप माउंटेन्स कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रांत है, कनाडा का के प्रशांत महासागर से लगते पश्चिमी तट पर इसकी स्थिति आपको मिलेगी, और कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत भी है ये ब्रिटिश कोलंबिया, और इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, पंपास घास के मैदानों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो पंपास घास का जो मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, ये कैसा मैदान है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि पंपास घास का मैदान, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो पंपास जो घास के मैदान है तो ये किस टाइप के मैदान है, सबसे ये भी तो आपको जानना चाहिए। बताइए पंपास किस टाइप के मैदान है। साउथ अमेरिका में आपको ये मिल जाएंगे, है ना, और फर्टाइल प्लेन होते हैं काफी, इसमें आपको उत्पादकता मिलेगी अगर यहां पर कुछ आप करेंगे। कैसे घास के मैदान है, इनका विस्तार कहां पाया जाएगा, ये कमेंट करके आपको बताना होगा, है ना, मैं नहीं बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे तो इसकी स्थिति आपको कहां कहां मिलेगी, इसकी स्थिति आपको मिल जाएगी हर जगह पे, ब्राजील उरुग्वे अर्जेंटीना हर जगह ये फैले मिल जाएंगे, उरुग्वे और ब्राजील में भी इसका विस्तार आपको मिलेगा, अर्जेंटीना में मुख्य रूप से मिलेगा, सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहां पर मिलेगा, लेकिन ब्राजील उरुग्वे में इससे अछूते नहीं है, यहां पर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है, सवाना, अब सवाना आपसे पूछा जा रहा है तो सवाना को अफ्रीका याद कर लीजिए, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पूर्वी अफ्रीका खास करके ईस्ट अफ्रीका में आप देखेंगे तो सवाना घास के मैदान आपको मिलेंगे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो ब्राजील में भी आपको ये मिल जाएंगे, भारत के साउथ हिस्से में आप जाएंगे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी आपको ये मिल जाएंगे, इस प्रकार की वनस्पतियां मिल जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दक्षिण एशिया का, ये ध्यान दिया कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है। तो जो थार मरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, केवल इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है ना, तो भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान का हिस्सा आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में ये पूरा हिस्सा है, हरियाणा पंजाब और गुजरात का प्रांत इसमें आपका आ जाएगा, पाकिस्तान के आप देखेंगे तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान का भी इसमें आ जाएगा, पंजाब का वहां पाकिस्तान का सिंध का प्रांत जो है वो हिस्सा इसमें आ जाएगा, है ना, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी इसीलिए दोनों प्रश्न मैंने रखे, अब यहां पर भी आपको सहारा दे देता, यहां पर भी तो आपको दक्षिण एशिया पढ़ना चाहिए ध्यान से, और संसार जब पूछा जा रहा है तो आप टिक करिए सहारा को, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अफ्रीका के एरिया में आप जाएंगे, अफ्रीका का मैप आप देखिए तो उत्तरी अफ्रीका के एरिया में जब आप जाएंगे तो यहां पर सहारा डिजर्ट आपको फैला हुआ मिल जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा इसका क्षेत्रफल है, ध्रुवीय मतलब ये आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में ये शुष्क मरुस्थल है और लगभग 35 लाख वर्ग मील में ये फैला हुआ है, आपसे एरिया नहीं पूछा जाएगा। संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, बहिर्मंडल समताप मंडल आयन मंडल क्षोभ मंडल, एक जो बेल्ट होती है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, और इन्हीं संचार उपग्रहों के कारण रेडियो टेलीविजन राडार इन सब का उपयोग संभव हो पाता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है, मतलब सूरज से जो विनाशकारी रेडिएशन निकलता है उसको उससे कौन हमारी रक्षा करता है, तो उससे हमारी ओजोन की परत रक्षा करती है। बहाना केवल यह है, बाकी मैं बताना यहां चाहता हूं कि ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई पर आपको ये मिल जाएगी। वायुमंडल में जो समताप मंडल है, समताप मंडल में आपको ये मिल जाएगी, है ना। ओजोन क्या होती है, O3 ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन जब नीचे पाई जाती है धरती के पास तो इसको बैड ओजोन कहते हैं, बैड गैस हो जाती है, है ना। इसका रंग आपसे पूछ लिया जाए तो ये ब्लू कलर की होती है, ब्लू है पानी पानी,
इसका रंग नीला होता है। इतनी इंफॉर्मेशन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम आपको बताना है। आप ऐसे जाएंगे, ये तो सबसे नीचे जो आपका पड़ेगा वो पड़ेगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल। समताप मंडल से ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मध्य मंडल। मध्य मंडल से ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आयन मंडल। आयन मंडल से ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बहिर्मंडल। ये क्रम है ना। 640 किलोमीटर से ऊपर जब आप चले जाएंगे तो बहिर्मंडल पाया जाएगा, ध्यान रखना। आयन मंडल जो है इसकी मोटाई खूब ज्यादा है, 80 से 640 किलोमीटर तक ये आयन मंडल आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? इसको कभी समझा है आपने? ये तूफान का सूचक होता है। अचानक गिरावट का मतलब है कि केंद्र में चक्रवातीय दशा है और केंद्र में जो वायुदाब है, जो प्रेशर है, ये लो प्रेशर का विकास हुआ आसपास की अपेक्षा, तो तेजी से हवाएं यहां पर बढ़ी। जहां लो होगा, हाई से लो प्रेशर की तरफ हवाएं तेजी से बढ़ेंगी, तो ये चक्रवातीय दशा बन जाती है। और चक्रवातीय दशा जब बनेगी तो तूफान आएगा। समझा है कभी? इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो बैरोमीटर में अगर पारे के सूचकांक में गिरावट हो रही है, यानी कि लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से तेजी से हवा का बहना। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? चक्रवातों की अगर आप बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक कैटेगरी होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में एक कैटेगरी नाम होता है टाइफून। और टाइफून जो है ये चीन सागर के आसपास, जो चाइना सी है, चीन सागर के आसपास आपको मिलेगा और ये खतरनाक होता है। वहां पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये शब्द आप देखिए कैसा शब्द है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहां पर आते हैं? तो टॉर्नेडो आप जाएंगे जब ये नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका, ये हो गया। बीच में जो कैरेबियन सागर की स्थिति यहां पर पाई जाती है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में टॉर्नेडो आपको आते मिलेंगे। यहाँ पे तो उष्ण कटिबंध का हिस्सा, फिर ऊपर उपोष्ण कटिबंध का हिस्सा, और ये आपको कैरेबियन सागर के क्षेत्र में मिल जाएंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भागों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक जो हवाएं होती हैं, चिनूक गर्म हवाएं होती हैं, हॉट होती हैं, और हॉट होने के कारण जो हिम होता है, जो आइस होती है, आइस को ये मेल्ट कर देती है, आइस को ये पिघला देती है। इस कारण से इनको हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है, हिम को खाने वाली, हिम का भक्षण करने वाली। तो जाड़े का तापमान इनसे क्या होता है? बढ़ जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रुधिर वर्षा कहां पर होती है? बड़ा सरल प्रश्न है ना, इटली में। इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी नहीं भी मिलेंगे तो जितने फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे प्रश्न आपको मिलेंगे। सहारा मरुस्थल से आप जब भूमध्य सागर की तरफ देखेंगे तो एक हवाएं चलती हैं और रेत भरी हवा होती है ये, इसको सिराको हवा कहते हैं। और इस हवा में लाल रेड कलर का सैंड आ जाता है, रेड कलर का बालू इसमें आ जाता है। और रेड कलर का जो बालू होता है, तो जब भूमध्य सागर के पास से ये गुजरती हैं तो इनको नमी मिल जाती है, और नमी मिलने के बाद में जब इनको नमी मिल गई तो ये आगे जब बढ़ती हैं और जब आगे टकराहट होगी और ये बारिश करेंगी, तो लाल रंग की बारिश होती है, रुधिर की तरह, रक्त की तरह, ब्लड की तरह इनका कलर होता है। तो इसको इसीलिए रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से होते हैं? तो पच्छाप अस्तरी जो बादल होते हैं ये बहुत ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक जो ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं वो होते हैं पच्छाप अस्तरी। तो पच्छाप अस्तरी यानी कि सिरो स्ट्रेटस जो बादल होते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पच्छाप अस्तरी बादल सबसे ऊंचे। एलिनो किस महासागर में बनता है? एलिनो जो है इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर का जल जब उसका तापमान बढ़ता है, और तो एलिनो की उत्पत्ति होती है वहां से। और एलिनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके लिए जाना जाता है।
लेकिन उत्पत्ति इसकी प्रशांत महासागर में होती है, ना कि हिंद महासागर, ना भूमध्य सागर की तो कोई बात ही नहीं, अटलांटिक की भी कोई बात नहीं है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर एलिनो आएगा तो एलिनो के समय भारतीय जो मानसून होता है वो कमजोर पड़ जाता है, हमारे यहाँ का जो मानसून है मानसून कमजोर पड़ जाता है। बात समझ आ गई। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क माना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बर्खोयास्क जो स्थान है ये रिकॉर्ड 1933 का है, -68 डिग्री इसमें टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया गया था यहां पर। और अभी तक का जो रिकॉर्ड फिर से पहुंचा है वो 2010 में -93.2 तक पहुंचा है, 2013 में -93 तक पहुंच गया, लेकिन 68 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में अभी जो है सबसे ज्यादा बर्खोयास्क में ही मतलब दर्ज किया गया था। उसके बाद में फिर ये रिकॉर्ड घटता बढ़ता रहा है, तो तभी से इसको माना जाता है कि ये सबसे ठंडा स्थान है। अगला जो प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? आर्द्रतम स्थान जब भी आपसे पूछा जाए, यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर ये रेनफॉल होता है, ह्यूमिड है ना, तो रेनफॉल जहां पर होता है तो सबसे आर्द्रतम हो जाएगा मासिन राम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मासिन राम है कहाँ, कमेंट करके बताइए, ये किस स्टेट में है? भारत में है, इंडिया में है, तो किस इंडियन स्टेट में मासिन राम है? निम्नलिखित देशों में किस राज्य देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राजील, नाइजीरिया। तो सर्दियों के मौसम में वर्षा जो होती है वो आपकी कह देंगे पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु से ये नॉर्वे में वर्षा हो जाती है। बी ऑप्शन इसकी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वर्षा जो होती है प्रत्येक मौसम में पर्याप्त और समान रूप से यहाँ होती है, तो यहाँ पर जो वर्षा है सर्दियों में भी होती है नॉर्वे में। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो क्या है? ऊंचाई भी दिया है, अक्षांश भी दिया है, वनस्पति दिया है, समुद्र से समीपता दी है। अब अगर इसमें से आपको एक चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? अगर कोई आप पूरे ग्लोब पर किसी स्थान के जलवायु को निर्धारित करना चाहते हैं, ये विषुवत रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आपको क्या लगेगा कि अगर इसकी स्थिति चेंज की जाए अक्षांश रेखा की तो सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा? अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ठंडा होगा, इक्वेटर के पास रहेंगे तो गर्मी। तो इसमें जो अक्षांशीय स्थिति है यही सबसे ज्यादा निर्धारक होती है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि, कौन सी विधि? परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए किया जाता है? जो कंटूर बाइंडिंग है, कंटूर बाइंडिंग का प्रयोग जैसे पहाड़ी ढाल होते हैं, मान लीजिए पहाड़ है और इसकी ढाल पर खेती की जाती है, तो यहां पर भू कटती है और जो जो मिट्टी होती है कटकट के नीचे जाती है, तो परिरेखा बंधन विधि के सहारे इन ढालों पर मिट्टी को रोका जाता है। तो पहाड़ी ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है कि मिट्टी न जाए, पानी न बहे। तो जो चीज आप लगाएंगे, छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना दिए जाते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, या मृदा को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। तो नुकसान इसको हार्म से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, डैमेजेस से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसी को संरक्षण कहते हैं। इसको तो आप कहेंगे कि उर्वरता बढ़ाना, वैल्यू ऐड करना, है ना, आपने कुछ वैल्यू इसमें ऐड कर दिया, वो अलग चीज है। नुकसान होने से संरक्षित रखा, तो ये मृदा संरक्षण। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है। मिट्टी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर दीजिए इसका। सबसे ज्यादा जिसके रवे, जिसके कण सबसे महीन होंगे, सबसे ज्यादा महीन होंगे जो कि है मृतिका के, उसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होगी, फिर गाद की, और गाद के बाद में फिर बालू की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, घटता हुआ क्रम आपसे पूछा गया था। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? तो आप जब जाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ ये वाली बेल्ट, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे कौन? शंकुधारी वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। और इन वनों में जो वृक्ष पाए जाएंगे वो सीधे होंगे, लंबे वृक्ष पाए जाएंगे, नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाएंगे, शाखाएं इनकी नीचे झुकी हुई पाई जाएंगी, और ये विशेषता आपकी शंकुधारी वनों की है और शीतोष्ण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। टैगा वन विशिष्टता है कहाँ की?
भूमध्य रेखीय क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण, तो समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है टैगा वन। टैगा वन आपके अगर आप ग्लोब पे दिखाएंगे तो यहां पर आपको टैगा वन मिलेंगे, तो ये समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए जाने का संवैधानिक प्रावधान है, कौन सा ये देश है? और ये देश है भूटान। भूटान ने ये प्रावधान कर रखा है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 60% और रखा जाए, भाग पर वन लगाया जाए, और लगभग मतलब आप ये मान के चलिए यहाँ पे 72% से ऊपर क्षेत्र में वन है भी यहाँ पर, और 70% भाग यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये भूटान ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसमें आप देखेंगे पूरी जब बेल्ट आप देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो वृक्ष है वो ये वाले एरियाज में यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इन्हीं का फैलाव जो है, फैलाव प्रतिशतता सर्वाधिक है पूरे विश्व में। शीतोष्ण शंकुधारी शंकुवृक्षी वन जो होते हैं, ए ऑप्शन इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसमें से आप ठंडी जानते हो तब भी आप कर लेंगे, तो एक ठंडी अगर आपको पता है क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा जो होती है वो कोल्ड धारा होती है। क्यूराइल का एक नाम और होता है आयोसियो। आयोसियो और क्यूरोसियो दो धाराओं के नाम आपने पढ़े होंगे। क्यूरोसियो गर्म होती है, जापान की तट, जापान के पास ये चलती है, और आयोसियो ठंडी होती है। पूछा जा रहा है गर्म नहीं है तो ये ठंडी है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का और सुषमा धारा, ये सब क्या है? ये गर्म जल धाराएं हैं, है ना, और ये गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए उत्तर दीजिए। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं? ज्वार भाटा महासागरों में आता है ना, तो इसके पीछे सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अब केंद्र बल है और अब केंद्रीय बल है, इन सब का सम्मिलित प्रभाव होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होती है। पृथ्वी पर दो बल, अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, केंद्र, अपकेंद्रीय का मतलब है केंद्रोन्मुख, और अपकेंद्रीय का मतलब, अपकेंद्रीय का मतलब है केंद्र अपसारित, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो जो ये आपके बल लगते हैं ये भी इसमें काम करते हैं। पृथ्वी का जो गोलार चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वो चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा खींच लिया जाता है, तो वो भी, तो ये गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल सब लगते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के दोनों के प्रभाव इसमें पाए जाते हैं। झील वान टर्की, लेक टर्की में कितनी लवणता पाई जाती है? लवणता अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो लवणता है वो टर्की की लेक वान में, वान झील में पाई जाती है, और इसकी मात्रा जो है 330 ग्राम प्रति हजार, ग्राम प्रति हजार ये पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? और बाकी इसमें लवणता और कम है, ठीक है ना, मतलब इसमें देखेंगे जैसे आप कोई अन्न लेंगे तो वहां पर जब आएगा तो मैं कभी बताऊंगा, लेकिन 330 ये मत भूलिएगा, ये 330 तो आपको याद ही रखना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है? बढ़िया प्रश्न है ये। तीन से भिन्न का मतलब यहाँ पे कई तरीके से पूछा जाता है, एक तो ठंडी गर्म पूछी जाती है, एक उनकी स्थिति पर भी प्रश्न पूछ ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये स्थिति पर भी ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर बेंगुला, ब्राजीलियन और दक्षिण भूमध्य रेखीय जो धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित है, स्थिति से प्रश्न पूछ लिया गया, साउथ अटलांटिक ओशन से इनका रिलेशन है। लेकिन जो पेरुवियन धारा है ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इनसे भिन्न हो जाएगी। तो यहां पर स्थिति पे, तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप कैसे तैयार करेंगे? एक तो ठंडी गर्म देखेंगे और किस महासागर में वो बहती है ना, ये भी देखेंगे। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, नदी में, झीलों में, झरनों में, महाद्वीपियों और पर्वतीय हिमनदियों में, भूमिगत में, तो जो शुद्ध जल मिलता है कुल जल का 97% जल तो केवल खारा जल हो जाता है, 97% खारा हो गया, 3% जो जल है ये मृदु जल के रूप में पाया जाता है, 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुआ है। बात समझ में आ रही? महाद्वीप और पर्वतीय हिमनदियों और जो अस्थायी हिम है
वहां पर ये जमा हुआ है, बहुत कम उपयोग के लिए बचता है, ऊपर से हम लोग बर्बाद भी करते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत कम हमारे पास रहता है, और आप जो ये आरओ लगा के आप शुद्ध करना पड़ रहा है, ये बर्बादी का ही नतीजा है। डेटम रेखा क्या होती है? डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऊंचाई और गहराई की माप होती है, ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है, इसी को डेटम रेखा कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, और जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो तैयार रहे इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? हैमवर्ग एल्म नदी, बेलग्रेड सीन नदी, कीव दान नदी, लाहौर सतलज नदी। इस प्रश्न को रखने का केवल एक मकसद है, आप लूसेंट ओपन कीजिएगा, लूसेंट में नदियों और उनके तटों पर स्थित जो नगर है उनकी सूची दी है भारत की और विश्व की, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मैं एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं कि ये ऐसा पूछा जाता है। यहाँ पर हैमवर्ग जो दिया हुआ है एल्म नदी, ये बिल्कुल सही दिया है। बेलग्रेड जो दिया है ये डेन्यूब नदी पर है, बेलग्रेड की अगर हम बात करें तो ये डेन्यूब नदी पर है। क्यू शहर जो है ये नीपर नदी पर के तट पर है, और लाहौर जो है लाहौर रावी नदी के तट पर है। एक भी यहाँ पर सही नहीं दिए हैं, केवल ये तीन गलत है, केवल पहला सही है, हैमवर्ग एल्म नदी सही दिया है। काला सागर में गिरने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? वोल्गा नीपर डेन्यूब, वोल्गा डेन्यूब नीपर वोल्गा, नीपर डेन्यूब यूराल वोल्गा। अब एक लिस्ट आप ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको नदियां कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं, इसको तैयार कीजिएगा। तो काला सागर में आपको मिलेगा कि नीपर और डेन्यूब दो नदियां हैं जो कि गिरती हैं। नीपर नदी आपको रसिया में मिलेगी, मास्को से निकलेगी, काला सागर में आके गिरेगी। यूरोप की दूसरे सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी हो जाएगी, वही डेन्यूब जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जो बेलग्रेड शहर है वो डेन्यूब नदी के तट पर है, और ये जर्मनी से निकलती है और ये भी जाके काला सागर में गिर जाती है। कौन? डेन्यूब। डेन्यूब कहां से निकलती है? जर्मनी से, और ये जाके काला सागर में गिरती है। ये दोनों नदियां हैं। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी, ऐसे ही पूछ लिया जाए एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी की आंग है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये नदी जो है ये बहती है चीन में। 6300 किलोमीटर लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबी नदी है, ध्यान रखना। नीली नील या ब्लू नाइल भी इसको कहते हैं, ये निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? आप जब जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उसके ईस्ट पार्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक नदी मिलेगी नील, है ना। और नील नदी जो है ये महान विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया, वहां से निकलती है, ठीक है। अब ये नीली झील, सॉरी वन मिनट, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नील नदी जो है ये महान विक्टोरिया झील से इसका स्वेत नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे नीली नील पूछी जा रही है, नीली नील नदी, और नीली स्वेत और नीली नीली नील, ये दो नदियां मिलके और फिर क्या करती हैं, ये नील नदी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाता स्वेत नील, तो स्वेत नील जो है ये निकलती है विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से। नीली नील जो निकलती है ये लेक ताना पड़ता है, ताना झील, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि नीली पूछी जा रही है और दोनों मिलके फिर नील नदी का निर्माण करती हैं। बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी, और 11 देशों से होकर ये गुजरती है, 11 देशों को लाभ पहुंचाती है ये, ठीक है। और उसके बाद में ये गिरती कहां है? भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, ध्यान रखना। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी? नील, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, मिसौरी, सबसे लंबी, मतलब सबसे बड़ी नदी। यहाँ पर बड़ा और लंबा में अंतर है, लेंथ की बात होती है, और अपवाह क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो बड़ी का मतलब ये हो गया, हो सकता है लंबाई कम हो लेकिन इसका आकार बड़ा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे लंबी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजॉन रिवर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है, और 70,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जहां पर जितने क्षेत्र में ये फैली है। अब यहाँ पर नदी और शहर दिए हुए हैं जहां से वो, जो शहर स्थित है जहां से नदियां बहती हैं, एक और है ये रॉटरडैम, ये राइन से है, तो रॉटरडैम राइन, एक का थ्री।
पेरिस जो है ये सीन नदी, बी का वन, बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब हो जाएगा, डी का सी का फोर, और वाशिंगटन ये पेटोमैक, तो ये टू हो जाएगा। 3-1-4-2, 3-1-4-2, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल। तो लिस्ट जब आप देख लेंगे एक दो बार लुसेंट से, लुसेंट का देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल, कभी कभी ऐसे सरसरी तौर पर जो फैक्ट होते हैं उन्हीं से पूछ लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। ये तो एग्जाम जो है वो कुछ थोड़ा सा हल्का भी पेपर आएगा, पीसीएस में भी ऐसे ही पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? डेन्यूब नदी जो है इस पर वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये तीन, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड ये तीन स्थित है। रोम जो है ये इटली की राजधानी है और ये टाइबर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये रिवर टाइबर है उस पर स्थित है। और डेन्यूब को देखिए तीन तीन राजधानी शहर यूरोप में, ये तीन राजधानी शहर इस पर स्थित है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? मकर रेखा को, ये अफ्रीका की नदी है और मकर रेखा यहां से गुजरती है और इसको दो बार ये काटती है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? अब ये दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मकर रेखा तो लिम्पोपो और अगर विषुवत रेखा तो जायरे मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, है ना। कांगो नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, चाहे जायरे कहिए चाहे कांगो नदी कहिए। और ये जो नदी है ये नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है, कांगो रिवर या रिवर जायरे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? ये अफ्रीका में है, साउथ मिडिल अफ्रीका में आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इसकी सीमा पर आपको ये मिल जाएगा, और ये जाम्बेजी नदी से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये सांटो एंजल है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का मैं बता रहा हूं, संसार का बता रहा हूं, भारत का अगर जलप्रपात पूछा जाएगा तो कुंचिकल हो जाएगा, है ना, लेकिन विश्व का अगर आपसे पूछा जा रहा है ये बहुत ऊंचा है, 979 मीटर ऊंचाई है इसकी, है ना, और इसका नाम है एंजल जलप्रपात, साल्टो एल्जन इसका पूरा नाम है। और नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो यह है करोनी नदी, नाम लग रहा है कि भारत की छत्तीसगढ़ भर की नदी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो रियो करोनी नदी, रियो करोनी इसका नाम है, रियो करोनी नदी पर यह स्थित है। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड जो है, जीके का प्रश्न, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, यूरोप में फिनलैंड और इसको झीलों का वाटिका कहा जाता है। एक आप ऐसे वैसे पूछा जाएगा तो ये नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक जो कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत ये आता है। और नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? नॉर्डिक जो कंट्रीज है उनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये आपको पता है? अब ये भी तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्डिक कंट्रीज का जरा नाम बताइए, कुछ दो चार नाम आप बता दीजिए। डेनमार्क का नाम सुना है, नॉर्वे का नाम सुना है, स्वीडन का नाम सुना है, ये जो कंट्रीज हैं फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे फैक्ट है, जीके के फैक्ट है, इसको पढ़ने से नहीं, बार बार मैप देखिए अवेयर रहिए तब आप इसको रख पाएंगे याद, नहीं तो एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है? झीलों पे बात हम लोग कर रहे हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं डीपेस्ट लेक हो, यहां पे तो दूसरी पूछी जा रही है लेकिन पहली भी हमको जानना है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी हो जाएगी बताइए। ये सब फैक्ट है और ये पूछ लिए जाते हैं। तो लेक कौन सी है? लेक जो बैकाल है वो सबसे गहरी झील है और दूसरे स्थान पर लेक टंगानिका आती है, कौन है? लेक टंगानिका। तो बैकाल सबसे गहरी हो जाएगी और दूसरी सबसे गहरी लेक टंगानिका आ जाएगी, ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं सही हूं ना? एक्चुअली ये मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कभी कभी मुझसे कुछ फैक्ट मिस होते हो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सब बिल्कुल मेरा जो ज्ञान है वो मैं परिपक्व हूं, कभी कभी गलतियां ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। तो जो सबसे गहरी है वो लेक बैकाल ही है और सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड गहरी ये आपकी मानी जाती है, कौन सी? टंगानिका।
चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। डोवर जलसंधि जोड़ती है बाल्टिक सागर बोथनिया की खाड़ी को, और अगला है इंग्लिश बिस्की की खाड़ी और इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। तो हमारा उत्तर मिल गया डोवर जो जलसंधि है। अब स्ट्रेट भी आप देख लीजिए, जो जलसंधियां दी हुई हैं इन सबको पलट लीजिए, 3-4 घंटे लगेंगे और ये सब पूरा आपका पलट जाएगा। जिनको ज्योग्राफी से पेपर देना है वो लोग तो बिल्कुल इसको पलट के ही जाएंगे, जीएस वाले भी कर सकते हैं, इतना टाइम तो रहता है। तो ये जो है डोवर जलसंधि, ये इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें भी यहाँ पर बनाई गई है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, अब बताइए अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर देते रहिए आप लोग, इससे अलग कर देता है जो चैनल है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यूरोप को अफ्रीका से ही पृथक करती है, कौन सी ये स्ट्रेट है, तो ये जिब्राल्टर है। मैप में देखिए इसी समय, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये अफ्रीका यूरोप इन दोनों को अलग कर देती है, जिब्राल्टर जलसंधि। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, हिंद महासागर से चीन सागर तक, या फिर लाल सागर से भूमध्य सागर तक, या अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक। अब बताइए, सोच के बताइएगा। तो मलक्का का जरा सा आप ध्यान करिए, तो मलक्का आपको इधर भारत के ईस्ट वाले हिस्से में, साउथ ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगी, हिंद महासागर से चीन सागर को ये जोड़ती है, ए ऑप्शन। मैप देखिए बार बार, एटलस साथ में रखा करिए। कील लहर किन दो सागरों को जोड़ती है, कील लहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न। सुनहर जोड़ती है किसको, सुनहर जो है सुपीरियर और हुरान को जोड़ती है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में एक सुपीरियर और हुरान ये 2 झीलें हैं, तो सुनहर इन्हीं को जोड़ने का काम करती है, बाकी सुपीरियर लेक के, जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक के बारे में बताइए, सुपीरियर झील कौन कौन सी है, तो सुपीरियर झील के बारे में आपको कुछ फैक्ट तैयार करने चाहिए। हा? सबसे बड़ी आलावर झील अगर पूरे विश्व में पूछी जाए तो सुपीरियर झील ही है, ठीक है। जो ये 5 लेक हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये फैली हुई हैं, बात समझ में आ रही है। और इनमें से कौन सी एक है जो, बताइए, केवल एक राज्य में है, मतलब केवल एक देश में है, बाकी तो दोनों में है। सुपीरियर झील जो है ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जान रहे हैं। ऐसे जो अन्य लेक्स हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़िए, उनको पढ़ना चाहिए आपको। अब जैसे आपसे पूछ लिया है दुनिया की सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील आप जान गए, मीठे पानी की झील है ये भी पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे जो पूछी जाए तो सुपीरियर झील, तो ये भी आप जानिए। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ ली जाए तो कैस्पियन सागर को आप याद रखिए। सबसे बड़ी नमकीन झील पूछ ली जाए, नमकीनतम जो है, मृत सागर को याद रखिए। भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसे किसे जोड़ने का काम करती है, तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर किनको जोड़ने का कार्य करती है, स्वेज नहर के बारे में हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक पूरा डिटेल डाला था, उसको देख लीजिएगा, बढ़ाएंगे 4-5-10 पोस्ट नीचे जाएंगे मिल जाएगा। तो स्वेज नहर जिनको जोड़ती है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर भी मैं सब शेयर करता रहता हूं, काम की चीज है, फालतू का मटेरियल नहीं। तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को, सिनाई प्रायद्वीप में ये बनाई गई थी, कृत्रिम नहर है, 164 किलोमीटर लंबी है, 300 मीटर चौड़ी है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम ये करती है। 1869 में इसको जहाजों के लिए खोला गया था। अगला जो प्रश्न है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ग्रैंड कुली कोलंबिया, होबर टेनेसी, नुरेक बक्स और काबोरा बासा जाम्बेजी या काहोरा बासा। होबर बांध जो है ये बॉल्डर बांध के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और ये एरिजोना प्रांत जो है वहां पर नेवादा एरिजोना की सीमा पर स्थित है होबर बांध, और ये किस नदी पर है, यहां पर होबर दे रहा है टेनेसी, लेकिन ये जो बांध है इसकी रिवर का नाम क्या है ये भी आपको जानना है ना, तो ये है कोलोरेडो। अगर कोलोरेडो याद होगा तभी आप ये प्रश्न कर ही पाएंगे, है ना। तो बी ऑप्शन इसका ये गलत दिया हुआ है, ग्रैंड कुली कोलंबिया सही है,
नुरेक ये बक सही है, कबोरा बासा ये जाम्बेजी रिवर ये भी सही दिया है। आसवान बांध कहां पर स्थित है, तो जो आसवान डैम है ये नील नदी पर है। किस पर है? नील नदी पर। और नील नदी जैसे हमने बताया तो आप जान जाएंगे कि ये मिस्र में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है, तो करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पर निर्मित है, जाम्बेजी नदी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक माना जाता है जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर करीबा डैम स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक क्या है, प्रवाल भित्ति है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है ये। ऑस्ट्रेलिया जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप ईस्ट की ओर यहां पर जाएंगे तो यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगा, है ना। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, प्रवाल रोधिका, प्रवाल भित्ति, और क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। प्रशांत महासागर यहाँ पर ये एरिया है उसका। 1600 किलोमीटर लंबी है, बहुत ज्यादा हो गया, 1600 किलोमीटर लंबी है ये प्रवाल भित्ति। 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो इतना नहीं, लेकिन इतना आप जितना मैंने बताया वो याद रखिएगा। यहां से प्रश्न और भी बन सकते हैं, बात समझ में आ गई। यहां से जो प्रश्न है वो और भी बन सकते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पर पाई जाती है, कोरल रीफ। अब जो कोरल रीफ है ये कर्क और मकर रेखा के बीच में आप देखेंगे तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो तटीय क्षेत्र स्थित है, कर्क और मकर रेखा के बीच में, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इनके बीच के जितने भी देश है वहां पर जो तटीय क्षेत्र है वहां पर कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है। पूर्वी और पश्चिमी तटीय सब में उसकी ये पाई जाएगी, कोई इसका वैसा डिवीजन नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सन सिटी कहां पर अवस्थित है, ये एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। ऐसे कभी कभी कुछ लैंडमार्क्स कहीं कुछ कुछ स्थान होते हैं उनको पूछ लिया जाता है, तो ये पीसीएस का प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है, है ना। और ये बस इतना ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन तो गायब ही हो गया है, लेकिन यहां पर जितने भी है, ल्हासा जो है ये तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत। तो ऊंचाई पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक लिस्ट ऊंचाई वाली भी देख लीजिए, ऊंचाई वाले स्थानों पर बसे हुए शहर। तो ल्हासा तिब्बत में 3650 मीटर की ऊंचाई पर। नहीं याद है तो आप ये याद करिए ये स्थान है कहां, गेस करेंगे आ जाएगा। घबराना नहीं है प्रश्नों को देख के, अगर घबरा गए, जो डरा सो मरा और जिसने हिम्मत दिखाई तो वो पास हो जाता है। और ये पूरा गेम जो होता है प्रीलिम्स एग्जाम का, ये हिम्मत इसमें बहुत, मतलब कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस करिए। आरओ दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए। जीआईसी लेक्चरर में जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज की है, क्वेश्चन डायरेक्ट आए या ना आए, क्वेश्चन डायरेक्ट आने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं होती है, लोग गलत इसका लगाने लगते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आए या ना आए, लेकिन आपको लाभ इसका बहुत ज्यादा मिलता है। बात समझ में आ गई। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेशावर, पेशावर के बाद में इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसे पूछ लिया गया। आप भारत का भी पढ़िए तो दिमाग में ऐसे बिठाइए, ये थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, ठीक है ना। तो ऐसे आप सेट करते चले जाइए। पेरू की राजधानी क्या है, कितना सरल प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। पेरू की राजधानी लीमा है। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि लिस्ट उठाइए कैपिटल वाली, एक दो बार उसको देख लीजिए। पहली बार आप नहीं देख रहे होंगे, कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा, बचपन में जीके में पढ़ते हैं बच्चे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे निर्धारित होती है, तो 38वीं डिग्री जो समानांतर उत्तरी अक्षांश है इससे क्या होती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित होती है। अब ऐसे और भी आपसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, आपसे और भी पूछा जाता है कि किससे किससे निर्धारित होती है, तो वो भी आप तैयार कर लीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि डूरंड रेखा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है, है ना। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए मैकमोहन, तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपसे पूछ लिया जाए अगर मैगिनॉट, तो ये फ्रांस द्वारा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये पाई जाती है। 24वीं समानांतर अगर आपसे पूछी जाए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ का जो क्षेत्र है वहां पर ये मिलती है। अगर आपसे जैसे ये 38वीं पूछी गई है उत्तर और दक्षिण कोरिया, 17वीं पूछ ली जाए, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 38वीं
आपने पढ़ा ही है। आपसे 49वीं पूछ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, नोट करते चलिए इसको। सीज फ्राइड पूछ लिया जाए तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये भी है, सीज फ्राइड भी। आपसे हिंडनबर्ग पूछ लिया जाए तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। पढ़ा ऐसे जाता है, बहाना एक होना चाहिए और उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट पढ़ डालिए। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। जो भू आबद्ध देश नहीं है उसको आपको पहचानना है, तो भू आबद्ध देश कौन सा नहीं है बताइए। तो इसमें ईरान जो है, ईरान भू आबद्ध देश नहीं है, फारस की खाड़ी से इसकी सीमा मिलती है, ओमान की खाड़ी, अरब सागर उससे सीमा इसकी मिल जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ये सब भू आबद्ध है, लैंडलॉक है, यानी कि उनसे कहीं उसकी वैसे जलीय सीमा नहीं मिलती है, बंद है चारों तरफ महाद्वीप के बीच में। निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, मध्य अमेरिका की स्थिति मैंने बताई थी ना, उत्तर नॉर्थ अमेरिका, इधर यहाँ पे साउथ अमेरिका, बीच के जो देश है, पनामा, सियरा लियोन, होंडुरस, ग्वाटेमाला, कौन सा मध्य अमेरिकी देश नहीं है? तो जो यहाँ पर सियरा लियोन दिया है ये अफ्रीकी देश है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्कि और ये जो पनामा, होंडुरस, ग्वाटेमाला दिए हैं ये सब क्या है, मध्य अमेरिका में है। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर ये पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा देश, बड़ा जनसंख्या के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, चीन को टिक करेंगे। लेकिन वैसे बड़ा जब पूछा जाता है तो बड़ा का मतलब होता है आकार में, ठीक है ना, तो वैसे तो चीन हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश हो जाए होता है रूस। रूस, रूस के बाद में आता है कनाडा, तैयार करिए इसको, और कनाडा के बाद में आता है यूएसए। अब यहां पे क्योंकि रूस और कनाडा नहीं दिए हैं तो यूएसए आप टिक करेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाता तो चीन यहां पर दिया है, चीन के बाद में अगर पूछा जाता तो ये भारत हो जाता। इस तरीके से पांच स्थान याद रखिए। अंड महाद्वीप विश्व की छत, हजारों झीलों का देश और मोतियों का द्वीप, विश्व की छत देखिए रिपीट हो रहा है। अंड महाद्वीप जो है ये अफ्रीका में है को कहा जाता है नहीं कहा जाता है। विश्व की छत पामीर हमने किया ही है, बी का फोर। हजारों झीलों का देश ये भी अभी देखिए आया था, सी का वन, फिनलैंड। मोतियों का द्वीप ये बहरीन हो जाएगा, तो 3, 4, 1, 2 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो सूर्योदय का देश सबसे ईस्ट में आप जाइए, वर्ल्ड मैप आप ओपन करिए तो सबसे ईस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जापान। अपने देश को ये लोग सूर्योदय का देश, निप्पॉन कह के पुकारते हैं, इसको निप्पन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जापानीज अपने देश को निप्पन कहते हैं और निप्पन का अर्थ ही होता है सूर्योदय का देश, है ना, और कंट्री ऑफ सन गॉड, सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, टर्की का कौन सा सागर पश्चिम का द्वार कहलाता है, और ये सागर है इस्तांबुल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, और ये जो है ये मरमरा सागर, गोल्डन हॉर्न, बास्फोरस, ये जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है और इसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वो साउथ अमेरिका को कहा जाता है, साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पे सबसे ज्यादा पक्षी, अब वहां पे जंगल है, पक्षी पाए जाते हैं, पूरा आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय पूरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ये सब पूरा वहां पर आपको व्यापक तौर पर सब मिल जाएगा, घने जंगल पाए जाते हैं, अमेजॉन के जंगल पाए जाते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहां पर, मध्य रात्रि का सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगा, आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण, तो इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच में आप देखेंगे तो मध्य रात का जो सूर्य है ये आपको मिलेगा नॉर्वे, नॉर्वे को मतलब उधर का जो एरिया होगा, और नॉर्वे को मध्य रात्र के सूर्य का देश कहा जाता है। अगर यहाँ पे देश की बात की जाए तो ये नॉर्वे को कहा जाता है, मध्य रात के सूर्य का देश कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सूची यहाँ पर सुमेलित करना है, बुस्मेन, बद्दू, पिग्मी और मसाई जनजातियों से ये प्रश्न है। एक कोई पकड़िए और देखिए मिला के, अगर आपको एक भी पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप जानते हैं कि बुस्मैन कहाँ पाए जाते तो ये प्रश्न हो जाएगा। बुस्मैन को आप नामीबिया से मिला दीजिए, ए का टू कर दीजिए, देखिए सी ऑप्शन निकल आया, आगे सेट करने की जरूरत नहीं है, है ना, आगे सेट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक के मिलाने से नहीं होता है तो आप दूसरा भी मिला लीजिए। बद्दू जो है वो सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं, ये लिस्ट आप डिवाइस कर लेंगे,
40-50 जनजातियां पढ़ लेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, उसमें से पूछी 5-10 नहीं है जो वही रिपीट करके 10 पूछी जाती है। पिग्मी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कांगो में पाए जाते हैं, 1 मिला दीजिए, और मसाई जब आप 4 पे हो ही जाएंगे तो 2-3-1-4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी तो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में आपको लैप्स जनजाति मिलेगी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामी जनजातियां भी इनको कहा जाता है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड जो पूरा एरिया है वहां पर। इनुइट लोग नहीं पाए जाते, कहां पर नहीं पाए जाते, तो इनुइट लोग अब देखिए आपको यहां हो सकता है आपको वैसे ना पता हो, रटा ना हो, अलास्का में पाए जाते हैं इनुइट, आपको ग्रीनलैंड में मिल जाएंगे इनुइट, कनाडा में आपको इनुइट मिल जाएंगे, स्वीडन थोड़ा सा आप जब साउथ में जाएंगे, नॉर्थ पोल से थोड़ा साउथ में बढ़ेंगे तब मिलेंगे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर ये नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अब बताइए, यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मध्य एशिया अल्पाइन, कांगो बेसिन, निग्रिटो, कालाहारी बुशमैन, कालाहारी बुशमैन तो आपको याद है कि ये सही है, कांगो बेसिन निग्रिटो सही है, अब स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक दिया है ये भी सही है, ठीक है, कांगो बेसिन में जो निग्रिटो दिया है ये गलत है, कांगो बेसिन में पिग्मी पाया जाता है, अभी हमने देखा था ना, तो ये गलत है, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब आप पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मतलब क्या है कराने का, यही है कि आप अलर्ट हो जाइए, लास्ट में 5-7 घंटे दे देंगे ना अपने सब्जेक्ट पे, जैसे जिनका ज्योग्राफी खास करके जिनका ऑप्शनल है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो आपका सब तैयार हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है, पिग्मी, कज्जाक, मसाई, लैप्स, कौन घुमक्कड़ नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें जैसे जो कजाक है, मसाई है, कजाक और मसाई के बारे में तो बिल्कुल पक्का पता है सबको कि घुमक्कड़ प्रजातियां, घुमक्कड़ का मतलब होता है खानाबदोश जीवन बिताती हैं, अपने जो जानवर हैं उनको लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और वहां पर अपना जीवन यापन करती हैं, वहां घास फूस खत्म हुआ तो अलग चलाएं। इसमें लैप्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो पिग्मी है, पिग्मी शिकारी होते हैं, पिग्मी का मुख्य काम है शिकार करना, ये होते हैं शिकारी, ये होते हैं संग्राहक, ये संग्रहण करते हैं चीजों का, संग्राहक होते हैं, शिकारी होते हैं, तो ए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये घुमक्कड़ नहीं है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, निग्रोइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलियाइड, काकेशियाई, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये काकेशियाई, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बृहद प्रजाति के रूप में इसको माना जाता है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या इनकी है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, कब हुआ था प्रादुर्भाव पृथ्वी तल पर, तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व यह माना जाता है कि पृथ्वी तल पर पक्षी का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था, बहुत पुराने हैं पक्षी। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि मानव और उनके पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, घाटी में चले जाएं, पर्वत पर फिर चले जाएं, फिर वहां से चेंज करके जैसे जैसे मौसमी परिवर्तन हो वैसे चेंज होते रहे, तो उसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है, और मौसम के हिसाब से जैसे जैसे उनको खाना मिलता है और वनस्पतियां जैसे होती हैं वो चेंज होते रहते हैं, अपने को बदलते रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि यूपीपीसीएस RO-YARO का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम अगर आप टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करना चाहते हैं, चैलेंज है मेरा, किसी टेस्ट सीरीज से आप तुलना कर लीजिए, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज हमारी है, किसी भी बड़ी छोटी कोचिंग से आप तुलना कर लीजिए, और उसको अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर देखना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, अपना एग्जाम स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो 6307281212 पर जानकारी लीजिए या IAS प्रेप एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहां से ज्वाइन करिए, महासंग्राम के नाम से भी है तो इसको आप ज्वाइन करके अच्छे से परफॉर्म करिए। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है, तमिल भाषा, तो तमिल भाषा प्रमुख भाषा है कहां पर, ये सिंगापुर में, सिंगापुर में तमिल भाषा प्रमुख भाषा है, यहाँ के लोग हैं वहां पे, है ना, क्षेत्र भी इस तरीके का, जहां पे लोग जाएंगे तो वहां पे भाषा बोलेंगे। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सर्वाधिक जो बोली जाने वाली पूरे विश्व में भाषा है वो चीनी भाषा है, ठीक है, चीनी भाषा। अब जो लैंग्वेजेस है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है उनमें हिंदी का स्थान आपसे पूछा जाता है ना, इन पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा तो मंडारिन हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, सेकंड पे कौन आता है, तो सेकंड पे स्पेनिश हो जाएगा, इसका सेकंड स्थान है। अगर थर्ड पे पूछा जाए तो थर्ड पे इंग्लिश हो जाएगा, इसका स्थान है। चौथे पे आपकी हिंदी आती है, और आज हिंदी दिवस भी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो चौथे पे हिंदी आती है, तो चौथा स्थान है, बात समझ में आ रही है, इसका चौथा स्थान है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो हिंदी का भी स्थान, और हिंदी के बाद में आपकी बंगाली आ जाती है, इसका बंगाली का पांचवा स्थान हो जाता है, फिफ्थ।
ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप ये लैंग्वेज अलग कर देंगे ना। तो ये जो ब्राजील के विशाल कहवा जो बागान है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है फजेंडा, फजेंडा कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फजेंडा एक प्रकार का बागान होता था। तो बागान जैसे हमारे यहाँ कोई भी सर्फ होगा तो उसको निर्मा कहते हैं, ऐसे एक बागान होता था फजेंडा। तो कहवा बागानों को वहां पे कहवा उत्पादित किया जाता था तो फजेंडा ही कहा जाने लगा, है ना। और औपनिवेशिक काल से यहां पर खेती होती है, चीनी का उत्पादन, यहां पर चीनी का उत्पादन भी होता है। निम्नलिखित में से कहवा का तो होता है, चीनी का भी होता है, किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? बड़ा सरल प्रश्न है जीके का, क्यूबा को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और क्यूबा के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ चुकंदर से चीनी खूब ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है। चीनी केवल शक्कर से जो बनती है वो केवल गन्ने से नहीं बनती है, है ना। और यहाँ पर भी चुकंदर से बनती है, गन्ने से भी बनती है। यूरोपीय देश आप देखेंगे वहां चुकंदर से चीनी आपको मिल जाएगी। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो दूध उत्पादन है वो भारत में होता है, भारत, है ना। और यहां पर इस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर व्यक्ति, पर पर्सन यहाँ पे मिल्क का कितना क्या उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, तो इंडिया में आप देखेंगे तो 200, आप कह सकते हैं ऑल इंडिया में 225 ग्राम 241 ग्राम, ये दो डेटा मिलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर वैसे स्टेट में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आप मिल्क के बारे में अगर बात करें तो भारत में कितनी है ये आपको याद रखना है। ऑल इंडिया में अभी आप देखेंगे तो वर्तमान नहीं, इस सॉरी 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 एक्सक्यूज मी मैं गलत बोल गया, ये पुराना डेटा था, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, फिर से इसको नोट करिए। 18-19 का जो डेटा आया उसमें 394 ग्राम पर व्यक्ति है, ये अवेलेबिलिटी है, पर पर्सन ये है। और इसमें शीर्ष स्थान पर जो है वो शीर्ष स्थान आपका हो जाएगा, मैं वो भी आंध्र प्रदेश भी गलत बता गया, सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो मैं आपको एक मिनट बता रहा हूँ, मैं पूरी लिस्ट मेरे सामने है मैं उसको देख रहा हूँ, ये आपकी पंजाब में हो जाएगी। पंजाब में 1181 है, 1 लीटर से ऊपर आप समझ लीजिए पूछा जा सकता है आपसे। और विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में। विटी कल्चर किसे कहते हैं? विटी कल्चर बहुत बढ़िया प्रश्न, विटी कल्चर किसे कहा जाता है? विटी कल्चर जो विटी कल्चर है वो कौन सी खेती को कहा जाता है? विटी कल्चर का अंगूर का जो उत्पादन होता है उसको कहा जाता है। जैसे ये सब प्रश्न जो है आप एक लिस्ट उठाइए, कौन सी खेती को क्या बोलते हैं उसमें देख डालिए, तो आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आगे पीसीएस के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आर ओ आर ओ के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। तो अंगूर का उत्पादन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न देशों में किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो ये बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में, हाई यील्ड जो बीज थे वो यहीं पर विकसित किए गए थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के लेकिन मैक्सिको में इन्होंने काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? अब ये साइंस में भी पूछा जाता है प्रश्न, इसमें थीन, कैफीन और टेनिन, ये सब नशा लाते हैं चाय का, तलब लगती है चाय की, लगता बस पी ही लो, लेकिन मॉर्फिन इसमें नहीं पाया जाता, ये तो थोड़ा और उच्च दर्जे वाला हो गया। अल्फा, अल्फा क्या होती है? तो एक प्रकार की ये घास होती है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा अल्फा एक घास है, है? और अगर परिवार आपसे पूछा जाए तो मटर परिवार की ये होती है, किस परिवार की? मटर, इसकी फैमिली जो होती है वो मटर फैमिली की होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, स्थानांतरशील कृषि को बुश एंड फेलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर होती है, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है तो उसको बुश एंड फेलो के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है इसका, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इसको दीपा कहा जाता है, ये दो स्टेटमेंट है, तो दूसरा तो यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसको दीपा नहीं कहा जाता है, पुडू कहा जाता है, दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए तो इसको पुडू कहा जाता है, स्लेस एंड बर्न कृषि, और दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वहां पर इसको कहा जाता है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और आप देखिए, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी लिस्ट आप पढ़िए, जैसे आप कुमारी आपसे पूछ लिया जाए तो केरल के पश्चिमी घाट में जारा पूछ लिया जाए,
तो दक्षिण भारत में आप जाएंगे वहां पर जारा कहा जाता है, आप झूम पूछ लिया जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। उर्वरता जहां पर है वहां पर इन्होंने जंगलों को साफ किया, जलाया और खेती करने लगे, उर्वरता समाप्त हुई, इन्होंने बंद कर दिया, अलग जगह पे चले गए। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व में गन्ने का उत्पादन, यानी कि गन्ने का मतलब सुगर केन का उत्पादन कहां सबसे ज्यादा होता है, सुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो पूरे विश्व में कहां पर सबसे ज्यादा होता है, तो आप सबसे नंबर वन पे रखिए ब्राजील को, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और सबसे ज्यादा यहीं पर उत्पादन होता है। लेकिन सेकंड स्थान पर आपका अपना भारत आता है, ठीक है ना। तो सेकंड स्थान पर भारत का भी याद रखिएगा, फिर थर्ड पे यूरोपीय यूनियन आता है, फिर चाइना आता है, ये स्थान भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक और चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये चीन है। चीन जो है गेहूं और चावल दोनों के मामले में, बाकी कोई आंकड़े अगर चेंज होंगे तो याद करिएगा, उसको तैयार करेंगे हम लोग। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, फुटलूज उद्योग का मतलब होता है जिसमें परिवहन या संसाधनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीमत पर उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग है, चाहे जहां बैठ के आप बनाइए सॉफ्टवेयर बेच दीजिए, बाजार इसको कोई रोड पे लगा के तो आपको बेचना नहीं है, ऑनलाइन सारा कुछ हो जाएगा, तो ये सॉफ्टवेयर उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ओसाका, याकोहामा, पिट्सबर्ग, ह्यूस्टन। ओसाका वस्त्र उद्योग सही है, याकोहामा पोत निर्माण सही है, पिट्सबर्ग लोह इस्पात सही है, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ये गलत है क्योंकि ये तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है, तो यहां पर ये डी गलत हो जाएगा। इसकी भी लिस्ट आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किसके लिए, तो मेसाबी जो रेंज है ये तांबे के लिए जानी जाती है या लोहे के लिए जानी जाए, सोने या लोहे के लिए। तो जो मेसाबी रेंज है ये याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सुपीरियर जेल का क्षेत्र है वहीं पर लॉ एस के लिए जानी जाती है, मेसाबी लॉ एस के लिए जानी जाती है। बाकी यूरेनियम के लिए जैसे कनाडा जाना जाता है यूरेनियम उत्पादन में, पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है ना, पोर्ट रेडियम वो उसके लिए जाना जाता है। अब यूरेनियम का जो उत्पादन है, यूरेनियम प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है पूरे विश्व में, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूरेनियम अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम जैसे नाइजर में भी मिल रहा है कि नाइजर में भी उत्पादन होता है। अब एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके आंकड़े कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो जितना भी तैयार रहे उस हिसाब से। कजाकिस्तान, जैसे कजाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर कनाडा में होता है। नाइजर का भी नाम इसमें आया था, अभी चर्चा में था इसलिए मेरे मुंह से निकला, लेकिन कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कजाकिस्तान के बाद में कनाडा में प्रोडक्शन होता है ना, और कनाडा के बाद में ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन होता है, फिर नामीबिया का स्थान आता है इस तरीके से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक जो कपूर है उसकी प्राप्ति होती है चीन तथा जापान में, एक देशज वृक्ष पाया जाता है उसी से, बाकी तो अब कपूर बना के भेज देते हैं ये लोग केमिकल से। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भंडार, अगर डिपोजिशन आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम का डिपॉजिट कहां पर सबसे ज्यादा है, तो यूरेनियम डिपॉजिट भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वो प्रश्न नहीं था लेकिन बताया, तो यूरेनियम डिपॉजिट भी सबसे ज्यादा कहां है ये भी याद रखना है पूरे विश्व में। तो यूरेनियम डिपॉजिट में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, कजाकिस्तान द्वितीय स्थान पर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उत्पादन में पूछा जाएगा तो कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर हो जाएगा। टिन कहां पर मिलता है, मतलब टिन मिलता है कैसे मिलता है टिन, तो टिन जो होते हैं ये प्लेसर निक्षेपों में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 80% प्लेसर निक्षेपों में प्राप्त होता है ना, जितना दक्षिण पूर्व एशिया में आप जाएंगे पूरा थाईलैंड और इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, ये सब पूरे जो एरिया है वहां पे टिन मिलेगा। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया की जिस प्रांत में स्थित है वो कौन सा प्रांत है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कहां पर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चिक्विकमाटा चिली निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो चिक्विकमाटा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तांबा के लिए। रूर बेसिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, और चिक्विकमाटा ये है कहां, चिली में, रूर बेसिन ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है, और रूर बेसिन जो है ये रूर जो है जर्मनी में एक प्रवाहित होने नदी है,
उसी के बेसिन के नाम से ये जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला खनन यहाँ पर होता है, कोयले की खदानें यहाँ पर पाई जाती थी। तो धीरे धीरे कोयले का मामला खत्म हो रहा है। पत्थर के कोयले के भंडार कौन से देश में संसार में अग्रणी है, तो ये चीन में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चीन जहां जहां पर ये सब पाए जाते हैं ना खनिज संसाधन, वहां पे कब्जा भी बड़ी तेजी से करता है ना। द्वितीय स्थान पर आपको ये जो रॉक मिलेगा, स्टोन कोल जो मिलेगा, स्टोन कोल, रॉक कोल या स्टोन कोल कहिए, तो ये आपको फिर यूएसए में मिलेगा। भारत भी इसमें स्थान रखता है, यूएसए के बाद में सेकेंड यूएसए और थर्ड जो है वो इंडिया, इंडिया का स्थान आ जाता है। कोयला, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस, इनको क्या कहा जाता है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स इनको कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, और इसपे निर्भरता अब करने की बहुत तेजी से आवश्यकता है ना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाना जो शुरू हुआ है, ये आजकल की जरूरत है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्वादर पत्तन अवस्थित है कहां पर, तो ग्वादर पत्तन आपका पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से ये चर्चा में बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्बर कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया जाए। वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्बर कौन सा है, उत्तर दीजिए इसका, वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्बर कौन सा है। और ये जो है ये अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो द पोर्ट ऑफ संघाई को माना जाता है, ये बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है। लेकिन जब ये जो प्रश्न है इसमें नहीं दिया हुआ है लिस्ट, जो ये वाले प्रश्न ये दिया, लंदन, कोलंबो, रॉटरडम, न्यूयॉर्क, तो संघाई फिर सिंगापुर का स्थान अब इसमें आता है। अब ये प्रश्न जैसे पहले है, आप ओल्ड ईयर पेपर देखेंगे तो आपने अगर इसको किया नहीं तो अब यहाँ पर संघाई हो जाएगा, संघाई यहाँ पे तो रॉटरडम था लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगा संघाई फिर सिंगापुर का है, ऐसे ऐसे। तो संघाई आप ध्यान रखिएगा, रॉटरडम अब 10th स्थान पर पहुंच गया है, तो तीन का स्थान आप याद कर लीजिए, एक आप ये संघाई याद कर लीजिए, दूसरा आप याद कर लीजिए सिंगापुर का है, और तीसरे पर आप याद कर लीजिए चाइना में निंगो जाओसन पड़ता है, तो चीन का है, चाइना में निंगो जाओसन पड़ता है, और पहला भी चाइना, संघाई भी चाइना का ही है, लेकिन इसमें से रॉटरडम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ये प्रश्न अब अपडेट मतलब अब मैं पुराना प्रश्न आपको दिखा रहा हूं, तब भी कहां अलर्ट रहना है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल और वैंक्यूवर के बीच में चलती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मॉन्ट्रियल और वैंक्यूवर के बीच में है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, खूब बार पूछा गया है। आप अटलांटिक ओशन में जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक ओशन में जो अमेरिका इधर यूएसए का एरिया, यूएसए मतलब ये पूरा अमेरिका जो पाया जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और इधर यूरोप पाया जाएगा, तो अमेरिका और यूरोप के बीच में ये जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र है ये व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है। संप्राय मैदान संबंधित है किससे, तो ये नदी से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये रिवर से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, सबसे ज्यादा डाकघर, तो विश्व में सर्वाधिक डाकघर, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा डाकघरों की संख्या है। अगर आप सर्च करेंगे कि डाकघर कितने हैं, कितने पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस इंडिया में कितने हैं, तो ये संख्या लगभग आप मान के चलिए 1,55,000 से ऊपर आपको मिलेगी, 1.55 लाख, और इससे ज्यादा डाकघर कहीं नहीं है, ये भारत में ही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अपडेटेड मटेरियल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हमारी जब टेस्ट सीरीज आप लेंगे उसकी व्याख्या में सब दिया रहता है। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से टेस्ट सीरीज महासंग्राम के नाम से आरओआरओ और पीसीएस की चल रही है, उसको आप लीजिए, करिए, आप उसको देखिए उसके क्या फायदे होते हैं। मतलब आप बिल्कुल अपने पेपर में 10 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं तो 5-10 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे, लीड कर जाएंगे। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है उसके मुख्यालय भी याद रखा करिए, खास करके जिनका भारत सदस्य है, तो सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है, और काठमांडू है नेपाल में। सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसी समय तैयार कर लीजिए, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 8 दिसंबर ये तिथि थी, और अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है, 2007 से अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था, अर्थ 8वां सदस्य अफगानिस्तान भी है इसका, अफगानिस्तान ये ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था।
सात सदस्यों का संघ पहले था और फिर आठवां सदस्य इसमें जुड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये कैप कैनेवरल में है, इंपॉर्टेंट है। और जरा भारत का बताइए, भारत का कहां पर स्थित है, भारत का सैटेलाइट लॉन्च कहां से होता है? सैटेलाइट लॉन्चिंग जो स्टेशन होता है भारत, मतलब लॉन्चिंग स्टेशन जो है भारत का, वो कहां पर है? तो श्री हरिकोटा का नाम याद रखिएगा, श्री हरिकोटा। भूगोल में नवनीतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कभी कभी थॉट के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ संकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहां पे प्लैंकटन उत्पन्न होता है, प्लैंकटन मछलियों के भोजन के लिए काम करता है, है ना, और छिछला समुद्र भी वहां होना चाहिए, तो वहां पर मत्स्य उत्पादन के मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो उसके आप उसको काटिए और उसके धड़ पे बलयों की संख्या देखिए, उसकी गणना कीजिए और उसी के आधार पर वैज्ञानिक विधि से इसको ज्ञात कर लीजिए। बरमूडा त्रिभुज कहां पर अवस्थित है? छोटे छोटे ये प्रश्न है, सब प्रश्न आप जानते हैं, कहां कहां बस ध्यान रखना है। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में आप जाएंगे तो बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल आपको मिलेगा, है ना। और ये बरमूडा जो ट्रायंगल है, इसको अगर आप ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे तो इसका आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम एरियाज एरिया जो इसका है, ये मियामी या दक्षिण फ्लोरिडा, ये सब बरमूडा पुर्टो रिको, ये सब उस क्षेत्र वहां पे देखेंगे तो त्रिकोणीय स्थिति ये बनाते हैं। और इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और इसमें माना जाता है कि कई बार अट्रैक्शन भी पाया जाता है कि चीजों को खींच लेता है अपनी तरफ। तो पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, यहां पर स्थानीय पवन और देश, वीरासेन पेरू, दक्षिणी वेस्टर ऑस्ट्रेलिया, बताइए। और अगला जो यहां पर दिया हुआ है, बाइज फ्रांस, और अगला है लेवांडर दक्षिणी स्पेन, कौन सा असुमेलित है? तो दक्षिणी जो वेस्टर यहां पर दिया हुआ है, दक्षिणी वेस्टर ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए कैसे इसको पूछा गया, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज किया गया, बाकी ये सब सही है। अब आप स्थानीय पवनों की लिस्ट उठाइए, वीडियो भी हमारे पड़े हुए हैं, कुछ भी आप उसको देख डालिए। कैलिफोर्निया में चलने वाली सेंटा आना पवन की प्रकृति कैसी है? कैसी, तो जब पवन पढ़िएगा तो इसमें हॉट पवन और कोल्ड पवन, ठंडी गर्म पवन, इसको देख लीजिएगा। तो गर्म और शुष्क है, या गर्म और आर्द्र है, या शीत और शुष्क है, या बर्फीली है, कैसी है? तो ये गर्म और शुष्क है, गर्म है और शुष्क है, हॉट है और ड्राई है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कैलिफोर्निया में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पवन और देश, योमा जापान, नाम से ही लग रहा है सही है, सामुन दक्षिण अफ्रीका, सामुन जो है, सामुन इराक और ईरान में चलती है, ये गलत है, टेम्पोरल मध्य अमेरिका, और सिबूम, सिबूम जो है अरब में, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप जब प्रश्न करिए तो उसको आंसर निकालने की कोशिश करिए, डायरेक्ट नहीं आता है तब भी आंसर निकलेगा। स्थानीय पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थानीय जो पवन होती है ये बहुत, ये जैसे तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती है, सही है, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, गलत है। स्थानीय जब लगा हुआ है तो स्थानीय का मतलब ये है कि छोटा क्षेत्र, स्मॉल एरिया है, तो दूसरा गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की निचली पर्वतों तक सीमित रहती है, सही है, और स्थानीय क्षेत्र के तापमान पर प्रभाव डालती है, ठंडी जाएगी तो वहां पे गर्म को शांत करेगी और गर्मी आएगी तो ठंडी खत्म करेगी, गर्मी का प्रभाव डालेगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी बायोम में संकेतक प्रजाति के क्या तात्पर्य है? तो जो पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए बहुत क्या हो, बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं संवेदनशील हो, उनको संकेतक प्रजाति कहा जाता है। जरा सा भी कुछ परिवर्तन हो तो संकेत दिखने लगे, तो जो पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, बी ऑप्शन इसका, सेंसिटिविटी जिसमें हो, उन्हीं को संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर स्पीसीज उनको कहा जाता है, है ना। प्रजाति अगर पारिस्थितिक तंत्र में कोई हानि होती है तो ये चेतावनी देने लगती है, जल प्रदूषण होगा वहां पर, वायु प्रदूषण होगा, कुछ भी परिवर्तन होगा वाटर बॉडी में या वहां की मृदा में, तो ये बताने लगेगी कुछ इसमें परिवर्तन आने लगेगा, तो समझ जाइए। किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना क्या कहलाती है?
तो पूरी जो गणना करते हैं उसको स्पीसीज कंपोजिशन या जाति रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष भर पौधों की कुल संख्या की जो गणना है उसको जाति रचना कहते हैं। एनवायरमेंट को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है ज्योग्राफी में। जैवमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है जैविक घटक को या अजैविक संघटक को, तो दोनों ऑर्गेनिक और ये मतलब बायोटिक, यहां पर बायोटिक ज्यादा सही है, जैविक की जगह पे ऑर्गेनिक की जगह पे इसको बायोटिक करिए, बायोटिक। तो बायोटिक और बायोटिक दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। बात समझ में आई? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो समस्त जीवित जीव और उनके आसपास का पर्यावरण है और आपस में जो प्रक्रिया पारस्परिक क्रिया होती है, जैवमंडल की इससे रचना होती है और इसमें जैविक संघटक भी होते हैं, अजैविक संघटक भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio+20 का आयोजन कहां किया गया था? और यह किया गया था रियो दी जेनेरियो में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। Rio+20 घोषणा पत्र, द फ्यूचर वी वांट, ये इस टॉपिक पे ये हुआ था और ये 2012 में हुआ था। रियो 1992 में हुआ था। इसमें 20 जोड़िए प्लस 20 करिए तो ये हो जाएगा 2012 में। ठीक है, Rio+20 का आयोजन। कोप सम्मेलन जो हुआ था तो कोप फर्स्ट का आयोजन कहां हुआ था? अभी कौन सा कोप हुआ ये भी आपको जानना है, करंट अफेयर में इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जो पहला कोप हुआ था पृथ्वी सम्मेलन को पारिस्थितिक असंतुलन से बचाने के लिए रियो डी जनेरो में 3 जून से 14 जून 1992 के बीच में स्थापित किया गया, मतलब ये सॉरी आयोजित किया गया। और पहला कोप जो हुआ था वो 1995 में हुआ था और ये जर्मनी में पड़ता है, बर्लिन, वहां पर हुआ था 1995 में। ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है, पुराने जो सरल प्रश्न है उनको गलत मत करिए, पास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है? कौन सी गैस है? तो ये अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करेगी, मीथेन करेगी, नाइट्रस ऑक्साइड करेगी, जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस जो ये है ये नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब करेंगी। ठीक है, तापमान में वृद्धि करेंगी। अगला जो प्रश्न है बस खत्म होने वाला है, कंटिन्यू इतना बोलना आप लोगों का पूरा देखना ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमने कहा एक में खत्म करते हैं। हिस्ट्री का भी एक क्लास आएगी, अब समाप्त हो जाएगा, कल उसको हम कर लेंगे। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है और इस गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? प्रणोदक, प्रसीतक, प्लास्टिक का निर्माण। तो जो रिप्रेजेंट है प्रसीतक, जो आप वातानुकूलित चलाते हैं, AC चलाते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। प्रसीतन जो होता है उसमें प्रयोग होता है, प्रणोदक में भी इसका प्रयोग होता है। बी इसमें आंसर मत लिखिए, है ना। और प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, CFC का, सब में इसका प्रयोग होता है। तो केवल प्रसीतक आप लोग मार देते हैं इसमें टिक कभी कभी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और आज का इस एपिसोड का, इस सेशन का और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण मुख्यतः कौन सी गैसें हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होती है औद्योगिक देशों में ये बहुत बड़ी समस्या है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों आप जानते होंगे इसमें है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसमें पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से ये निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात जो सल्फर डाइऑक्साइड है वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा ये जिम्मेदार है। तो ये तीनों पाई जाती हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से श्री गणेश जैसे हुआ था, अब इतिश्री समाप्त हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको आप रिवाइज करके जाइए, और अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि किसी के लिए ये उपयोगी है तो उसको पहुंचाइए जरूर, और पसंद आया है तभी इसको लाइक करिए। कोई भी अगर गलती मुझसे हुई है तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिए, कोशिश की जाती है कि सही रहे। कभी कभी स्रोत भी गड़बड़ हो जाते हैं, कभी कभी दिमाग नहीं उतना ध्यान दे पाता। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम जल्द ही आपके लिए और नए नए कार्यक्रम लाने वाले हैं। और आप लोगों को सजेस्ट करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है। ऑल द वेरी बेस्ट।